नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। याचिकाकर्ता ने कर्नाटक हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाई कोर्ट के जिस फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई है, उस फैसले में कहा गया है कि जब तक ये विवाद सुलझ नहीं जाता, तब तक छात्राओं को शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब और ऐसी कोई भी धार्मिक पोशाक पहनने की इजाज़त नहीं होगी, जिसके कारण ये विवाद तूल पकड़ ले। मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी, न्यायमूर्ति जे एम काजी और न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित की 3 सदस्यीय पीठ ने कहा है कि वो चाहती है कि इस मामले को जल्द से जल्द सुलझा लिया जाए, लेकिन तब तक शांति और सद्भावना बनाए रखें जब तक कि कोई फैसला नहीं आ जाता। हाईकोर्ट ने कहा कि इस विवाद के निपटारे तक छात्रों और छात्राओं को धार्मिक कपड़ों या चीज़ों को पहनने की जिद नहीं करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हम आदेश पारित करेंगे, स्कूल कॉलेज शुरू होने दें, लेकिन जब तक मामला सुलझ नहीं जाता तब तक किसी को भी धार्मिक पोशाक पहनने की इजाज़त नहीं होगी। हाईकोर्ट ने कहा कि धार्मिक कपड़े जैसे कि हिजाब या फिर भगवा शॉल फैसले के निपटारे तक स्कूल कॉलेज परिसरों में नहीं पहने जाएंगे। हम सभी को रोकेंगे क्योंकि हम राज्य में अमन चैन चाहते हैं। हाईकोर्ट मुस्लिम छात्राओं की ओर से कॉलेजों में हिजाब बैन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। याचिकाकर्ता के मुताबिक कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने आदेश के माध्यम से मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने की इजाज़त नहीं देकर उनके मौलिक अधिकार को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। याचिका में कहा गया कि कर्नाटक सरकार ने कॉलेजों में हिजाब पहनने वाली मुस्लिम महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। यह आदेश गैर मुस्लिम छात्राओं और मुस्लिम छात्राओं के बीच एक बड़ी असमानता पैदा करता है और ये धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा का सीधा उल्लंघन है, जो भारतीय संविधान की मूल संरचना है। वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से हिजाब विवाद का मामला अपने पास ट्रांसफर कराने की अपील की थी। सिब्बल ने मामले की सुनवाई 9 जजों की पीठ द्वारा कराने की गुजारिश भी सुप्रीम कोर्ट से की है। उन्होंने कहा कि दिक्कत ये है कि स्कूल और कॉलेज फिलहाल बंद हैं, लड़कियों पर पथराव हो रहा है, ये विवाद पूरे देश में फैल रहा है। उन्होंने कहा कि वे मामले पर कोई आदेश नहीं चाहते, केवल ये चाहते हैं कि सुनवाई के लिए याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। एक तरफ जहां ये मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंच चुका है, वहीं दूसरी तरफ देश भर में हिजाब के समर्थन में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, ये तस्वीरें महाराष्ट्र के मालेगांव की हैं, जहां सैकड़ों की तादाद में इकट्ठा होकर मुस्लिम महिलाओं ने हिजाब के समर्थन में प्रदर्शन किया। तो हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई अपडेट और नई जानकारी के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट। नमस्कार।